हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अखिल श्रीवास्तव आपका हमारे चैनल अखिल श्रीवास्तव एजुकेशन पार्ट में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड होती क्या है, पहले हम ये स्टडी करते हैं। देखिए, पार्टनरशिप डीड का मतलब है साझेदारी संलेख, यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनरशिप। आप पार्टनरशिप को यानी किसी बिजनेस को बिना किसी कानूनी कागजों के भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए, कोई आपको कानूनी स्टैम्प पेपर नहीं चाहिए। आपके आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं, आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, इक्वली या जैसे भी आपका रिसोर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन कई बार में क्या होता है कि आपके अपने ही फ्रेंड या फैमिली मेंबर जो बिजनेस के पार्टनर्स हैं वो चीट कर देते हैं। ऐसे केस में क्या होता है, आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट आपसे क्या कहता है कि कोई सबूत है जिसमें आप शो कर सकें ये पार्टनरशिप इस रेशो में है, या फिर वो आपका वाकई पार्टनर है जो आपका पैसा नहीं देना चाह रहा। ऐसे केस में कागज काम आते हैं लीगली, जो आपने साइन किए हो, तो यही लीगली डॉक्यूमेंट्स ऑफ बिजनेस कहलाते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड को एक वर्ड में कह सकते हैं, सिंगल लाइन में कह सकते हैं कि रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड, जिसके अंदर आपके बिजनेस के सारे एक्टिविटी, सारे नियम कानून सब कुछ मेंशन किए जाते हैं। और ये लीगली होता है, जिसके अंदर आप कानूनी सारी फैसिलिटी को पा सकते हैं। तो आइए मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाता हूँ ये प्रॉपर होता क्या है, उसके कितने स्टेप्स होते हैं। तो आइए देखते हैं। पार्टनरशिप डीड साझेदारी विलेख। सो व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप आपके जितने पार्टनर्स हैं बिजनेस में, उन सबके बीच एक रिटन एविडेंस है, एक रिटन एग्रीमेंट है। द एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटन। ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। अगर आपसी तालमेल बहुत अच्छे हैं तो एक दूसरे को जुबान दे देते हैं कि हम पार्टनर से, हम इस रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे, इस रेशो में हम लॉस बांटेंगे, तो वो मान्य हो जाते हैं। लेकिन लीगल अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, फायदे चाहिए न्यायालय से, अगर कोई विवाद होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपको रिटर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट आपके पास से एविडेंस मांगेगा, सबूत मांगेगा, और ओरल में तो कुछ भी डील होती नहीं है। तो रिटर्न आपका तब काम आ जाएगा अगर कोई नेगेटिव पॉइंट होता है, तो यानी कि कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है। तो द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिटर्न। तो इसलिए कहते हैं, ये कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं कि रिटर्न ही हो, डज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन बट whenever it is in written, the document which contains terms of the agreement is called partnership deed. तो अगर ये written में है तो हम इसे partnership deed कहते हैं। It generally contains the details about all the aspects affecting the relationship between the partners, including the objectives of business, contributions of the capital by each partners, ratio in which the profit and the loss will be shared by the partners entitled of profit to interest on capital, interest on loan, etc. यानी किस रेशो में वो प्रॉफिट बांटेंगे, किस रेशो में वो लॉस बांटेंगे, और किस रेशो में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन करेंगे। ये सब पार्टनरशिप डीड में पहले ही तय कर देते हैं। The causes of partnership deed can be altered with the consent of all the partners. यानी कई बार कुछ उसमें अल्टर करने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है, तो सारे पार्टनर्स की मौजूदगी में या उनकी सलाह से ये काम हो सकता है कि उस समय पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग हमने कुछ रेशो रखा था, लेकिन फ्यूचर में चेंज करना पड़ा, तो ये पॉसिबल है कि हम उसमें चेंज कर पाए फ्यूचर में। The deed should be properly drafted and prepared as per provisions of Stamp Act. यानी कि कानूनी रूप से वो रूपरेखा में हो, एंड प्रेफरेबल रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, यानी कि रजिस्ट्रार के पास नोटरी के साइन हो, फर्म का एक स्टैंप हो, पूरी डिटेल उसमें लिखी हो। मैं आपको दिखा देता हूँ ये पार्टनरशिप डीड दिखने में कैसे होती है। ये इसका कुछ पिक्चर है, आप देख सकते हैं। देखिए, भारतीय गैर न्यायिक ₹100 का स्टैम्प पेपर होता है, कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता है। फिर इसमें आपकी पार्टनरशिप डीड की पूरी हेडिंग आ जाती है, जो उनके पार्टनर्स हैं उनकी पूरी डिटेल आ जाती है, और उनके फर्म के स्टैंप, साथ ही नोटरी जो कचहरी में चकबंदी में कहीं बैठता है,
आप वहाँ से जाके उस पर रजिस्टर्ड करवा देते हैं, वो अपनी भी एक मोहर लगा देता है। तो ये एक लीगली एक्टिविटी हो जाती है जिसके अंदर अगर कोई केस होता है तो आपको एक सबूत के रूप में एक कागज़ मिल जाता है जिसको आप दिखाकर अपना केस जीत सकते हैं या सरकारी हेल्प पा सकते हैं। कल को आपको लोन वगैरह लेना है तब भी आप उसमें इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अलग अलग वे में आपको दिखाई जाएगी। तो लास्ट में ये बता दूँ, पार्टनरशिप डीड आपकी ओरल भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। अगर रिटर्न है तो फ्यूचर में आपको हेल्प करेगी, लेकिन ये खर्चीली हो जाती है क्योंकि इसमें लॉयर का खर्चा, स्टैम्प पेपर, इन सब की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप छोटी मोटी फर्म या फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स के साथ बना रहे हैं तो आप ओरल भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई अपडेट वीडियो डालें तो आप तक पहुँच जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।